नमस्कार, अमर ओडिशा को आपण मानको स्वागत करुछी। मो बंदिता आसिबा संपूर्ण खबर को। कोरोना मुकाबिला क्षेत्र रे डाक्तर पुलिस को भूमिका को साबासी देउछंती सरकार। सेमानको कोरोना योद्धार मान्यता दिया जाय, प्रोत्साहन भी दिया जाउछि, किंतु दुर्भाग्यर कथा मृत्यु परे सेई कोरोना योद्धा को मिलुनी सम्मान। सेमिति एक अभावनीय घटना घटिछि गंजाम जिला कोदळा रे। कोविड योद्धा को असम्मान, मृत्यु परे अलड़ा होई घंटा घंटा पड़ी रहिला पुलिस एसआई को शव। संक्रमण भय रे ना आसिले सहकर्मी कि उपरिस्थ अधिकारी ना तत्पर हेला आम व्यवस्था। राति 10 रु सकाळ 10 जाए पड़ी रहिला शव। आहुरी दुर्भाग्यर कथा हेला वो पत्नी मध्य शवर पाख मारिले नाही। एभली दुर्भाग्यजनक घटना घटी गंजाम जिला कुदळारे। शुक्रवार राति रे कोरोना रे प्राण हरिथिबा एएसआई रवींद्रनाथ बेहरांकर शव कोदळा मेडिकल परिसर रे पड़ी रही थिले। मध्य शनिवार दिन 11टा जाए केही उठाई नथिले। शेषकु स्थानीय अंचलर दुई जण सांबादिक अंटा भिड़ी आगे आसिले। पीपीई किट पिंधि शवकु कले स्थानांतर। शुणंतु से सांबादिक कौन कहउछंती। आम कोदळा सांबादिक संघ तरफ आम दुई भाई आम बाध्य हलु जे लाश उठापी पुओ आ कोदळार जड़े आ जड़े ग्रामरक्षी जो होम गार्ड आम एत ही आम कोपरेट कर। प्रथम कथा है प्रशासन ही ना, जदि प्रशासन एत गाइडलाइन बाहर करमती करमती कौन सी गाइडलाइन करी करोना योद्धा जन मरुँचर आम कौन एक्शन नहीं पार्ताप्रे कौ स्टाफ कम करेंगे किए आसिक रही पारे। कोविड योद्धा को असम्मान ए नग्न घटना गणमाध्यम प्रकाश पाइबा एवं दुई सांबादिक आगक आसवा देखि निद भांगी प्रशासन। गंजाम एसपी ब्रिजेश कुमार राय मेडिकल परिसर में पहुंची मृत एएसआई को राष्ट्रीय सम्मान प्रदान करते। यापर कोविड गाइडलाइन भितर एएसआई रवींद्र शव सत्कार कर पूरा पुलिस परिवार सांगरे दुख घड़ी रे छिड़ाई ताका जो भी अच्छी प्रोसीजर से पाई हमें ऑलरेडी एसडीपीओ को निर्देश करी सारी छु। भंजनगर कोर्ट रे दीर्घ दिन धरी कार्यरत थिले एएसआई रवींद्रनाथ बेहरा। गत 4 दिन धरी से थंडा और काश रे पीड़ित थिले। शुक्रवार स्वास्थ्य अवस्था अधिक खराब हेबारु से कोदळा मेडिकल को आसीथिले। विलंबित राति रे हॉस्पिटल रे तांकर मृत्यु घटीथिला। मृत्यु परे तांकर एंटीजन टेस्ट करा जायथिया बेले रिपोर्ट पॉजिटिव आसीथिबा स्पष्ट करछंती एसपी। गंजाम रु कैलाश बेहरा, न्यूज 18 ओडिया। प्लाज्मा थेरापी उपरे राज्य सरकारक भरोसा। गुरुतर कोरोना आक्रांत को नुआ जीवन देवारे प्लाज्मा हेउछि सहायक। तेणु प्लाज्मा दान पई किभळि उत्साहित करा जाय परिबो सेथिपई 20 मंत्री को 30 जिलार दायित्व बंटन करिछंती मुख्यमंत्री। दायित्व मिलिबा परे मंत्री माने निष्ठार सह काम करिवे बोली संकल्प नेइछंती। कोरोना रोगीक प्लाज्मा साजुचे संजीवनी। किलर भाइरस जुजुवा आक्रांतों नुआ जीवन देउची प्लाज्मा। ए जीवन घातक महामारी प्रतिषेधक टीका विकसित रे सारा विश्वर वैज्ञानिक गवेषणा चलाई सेतेबेले जाए प्लाज्मा थेरापी कोरोना आक्रांतों सब्यस्त हो सफल महोषधी। कटक अश्विन हस्पिटाल जन 48 वर्षीय महिला प्लाज्मा थेरापी पर कोरोना कबल संपूर्ण सुस्थ हो। गंजाम आउ 4-5 जन स्वास्थ्यावस्था उल्लेखनीय अग्रगति घटी। एसबुक नजर रखी प्लाज्मा थेरापी उपर गुरुत्व देउछंती मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। अधिकरु अधिक प्लाज्मा किभली संग्रह हो पारिब प्लाज्मा दान पई सचेतनता एवं उत्साहित करिबा उपर देइछंती गुरुत्व। एथिपई 20 जन मंत्री भितर 30 जिलार दायित्व बांटिछंती मुख्यमंत्री। कोरोना कबलर सुस्थ होइतिबा व्यक्ति किभली प्लाज्मा दान पई आगेइ आसिबे तार दायित्व बहन करिवे मंत्री। मुख्यमंत्री दायित्व को सुचारू रूपे तुलाइबे बोली मंत्री कहिछंती। जो मैंने क्रिटिकल पेसेंट मानकर जीवन रक्षा करापाई गोटे बाट हो कि प्लाज्मा ट्रीटमेंट तेणुक जो मैंने आम डेथ जो हो कोविड 19 रे से मृत्यु को रोकवाई प्लाज्मा ट्रीटमेंट जरिया हूँ गोटे बहुत बड़ माध्यम। एवं विजु जनता दल कोविड 19 एवं प्लाज्मा थेरापी जो नुआ दिग से मत मानव मुख्यमंत्री ढेंकनाल जिलार दायित्व दे कृतज्ञता ज्ञापन करेकाना जिलार समस्त विधायक मंत्री सहित चर्चा विचार विमर्श करी प्लाज्मा डोनेट करेंगे और अन्न
ଲୋକମାନେ ସେ ପ୍ଲାଜମା ଗ୍ରହଣ କରିକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଏ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସକୁ ମୁଁ ସାଧୁବାଦ ଦେଉଛି। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା କହିଛନ୍ତି ପ୍ଲାଜମା ଥେରାପି ଯୋଗୁଁ ଗୁରୁତର କରୋନା ରୋଗୀ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ଲାଜମା ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ କେବଳ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନ ଦେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଫୋକସ୍ କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ କହିଛି ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ଦାୟିତ୍ୱ ଖୁବ୍ ଆଗରୁ ଦିଆଯିବାର ଥିଲା। ତାଛଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲେ ଅଧିକ ସୁଫଳ ମିଳିପାରନ୍ତା। ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ସବୁ ପ୍ରଦେଶ ଏକ ହେଇକି କରୋନାର ମୁକାବିଲା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆଜି କେବଳ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଜନଜାଗରଣ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ଅନୁଚିତ ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି। କାରଣ ଆମେ ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସର୍ବଦଳ ଏକ ହେଇକି ଆମେ କରୋନାର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରକୁ ଆମେ ସାଥ ଦେଇଛୁ। ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆଗରୁ ଇନଭଲ୍ଭ କରିଥାନ୍ତା କରୋନା କୁଆଡ଼େ ବଞ୍ଚି ହେଇଯାଆନ୍ତାଣି। ଖାଲି ମନ୍ତ୍ରୀକି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ ହେବନି, ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମାନଙ୍କୁ ଦିଅ, ସେ ଜାଣନ୍ତି କେଉଁ ଗାଁରେ କ'ଣ କେଉଁ ପେସେଣ୍ଟ, ସେ ଚିହ୍ନଟ କରିବେ, ସେ ଆଣିବେ, ସେଣ୍ଟରରେ ପହଞ୍ଚାଇବେ, ତାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଅ। ପ୍ଲାଜମା ଥେରାପି ପାଇଁ ନୋଡାଲ ସେଣ୍ଟର ଭାବେ କାମ କରୁଛି କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ, ଯେଉଁଠି ଖୋଲାଯାଇଛି ପ୍ଲାଜମା ବ୍ୟାଙ୍କ। ଯେତେ ଅଧିକ ପ୍ଲାଜମା ସଂଗୃହିତ ହୋଇ ସଂରକ୍ଷିତ ରହିବ, ସେତେ ଅଧିକ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ସଞ୍ଜୀବନୀ ହୋଇପାରିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଆଶିଷ ଦାସଙ୍କ ସହ ମହେଶ ପ୍ରସାଦ ନନ୍ଦ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ରାଜ୍ୟର 10 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ନେଲା କରୋନା ଭାଇରସ, ଯାହା ଏଯାଏ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସର୍ବାଧିକ। ଏହାକୁ ମିଶାଇ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ କରୋନା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 130ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। 10 ଜଣ ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଅଛନ୍ତି ସର୍ବାଧିକ 3 ଜଣ, ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ 2 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କର ଜୀବନ ନେଇଛି କରୋନା ଭାଇରସ। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟରେ 24 ଜିଲ୍ଲାରୁ 1320 ଜଣ ନୂଆ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସଙ୍ଗରୋଧ କେନ୍ଦ୍ରରୁ 887 ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି 433 ଆକ୍ରାନ୍ତ। ଗଞ୍ଜାମରୁ ସର୍ବାଧିକ 560, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ 174 କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୁରୀ ଓ ଗଜପତିରୁ 90 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ଆକ୍ରାନ୍ତ, ରାୟଗଡ଼ାରୁ 65, କଟକ ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ 47 ଲେଖାଏଁ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି କନ୍ଧମାଳରୁ 39, ନୟାଗଡ଼ରୁ 38, କୋରାପୁଟରୁ 30 ପଜିଟିଭ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକରୁ 28, କେନ୍ଦୁଝରରୁ 24, ବାଲେଶ୍ୱର ଯାଜପୁରରୁ 23, ବରଗଡ଼ରୁ 14, ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ 9, ଅନୁଗୁଳରୁ 6 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ଅଛନ୍ତି। ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରୋଗୀଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ଖେଳ, ଅପରେସନ୍ ବେଳେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଚରମ ଅବହେଳା, ରୋଗୀଙ୍କ ପେଟ ଭିତରେ ଗଜ କପଡ଼ା ସହ ଆଉ କିଛି ଅଦରକାରୀ ପଦାର୍ଥ ରଖି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କଲେ, ଏଭଳି କାରନାମା କରିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୟାପଲ୍ଲୀ ଉସ୍ତି ମେଡିକାଲର ଜଣେ ଡାକ୍ତରାଣୀ। ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ ପାଇଁ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପରେସନର 2 ମାସ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଅପରେସନ୍ କରି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପେଟରୁ କଢ଼ାଯାଇଛି ଗଜ କପଡ଼ା। ଦେଖିବା ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆର ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ। ଡାକ୍ତରାଣୀଙ୍କ ଚରମ ଅବହେଳା, ଅପରେସନ୍ ବେଳେ ପଦାରେ ପଡ଼ିଲା ଖାମଖିଆଲ ଭାବ, ରୋଗୀଙ୍କ ପେଟରେ ଗଜ କପଡ଼ା ରଖି ଭରିଦେଲେ ଅପରେସନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରମାଣ, କେବଳ ଫଟୋ ନୁହେଁ, ସ୍କାନ୍ ରିପୋର୍ଟରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ରୋଗୀଙ୍କ ପେଟରେ ରହିଛି କିଛି ଗଜ କପଡ଼ା ସହ ଆଉ କିଛି ଅଦରକାରୀ ପଦାର୍ଥ। ଡାକ୍ତରାଣୀଙ୍କ ଅବହେଳାର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଏହି ମହିଳା ଜଣକ ହେଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଝାରପଡ଼ା ପାଖ ଜଗନ୍ନାଥ ନଗରରେ ରହୁଥିବା ଆନନ୍ଦ କୁମାରଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି। ଆନନ୍ଦ କୁମାରଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ଗତ ମେ 16 ତାରିଖରେ ନୟାପଲ୍ଲୀ ଉସ୍ତି ହସ୍ପିଟାଲରେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଏକ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳିଙ୍କ ସିଜରିଆନ୍ କରିଥିଲେ ଡାକ୍ତରାଣୀ ସ୍ମିତା ଶତପଥୀ। କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଧରି ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ପରେ ପେଟରେ ପୁଣି ଭୀଷଣ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି। ସ୍ୱାମୀ ଆନନ୍ଦ କୁମାର ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅପରେସନ୍ କରିଥିବା ଡାକ୍ତରାଣୀ ସ୍ମିତାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ କରିବାରୁ ସେ କହିଥିଲେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିବ, ଭଲ ହୋଇଯିବ। ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅସହ୍ୟ ହେବା ପରେ 3 ସପ୍ତାହ ପରେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ସିଟି ସ୍କାନ୍ କରିବାରୁ ଧରାପଡ଼ିଥିଲା ଡାକ୍ତରାଣୀଙ୍କର ବେପରୁଆ ଅପରେସନ୍ର ପ୍ରମାଣ। ସିଜରିଆନ୍ ବେଳେ ଡାକ୍ତରାଣୀ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳିଙ୍କ ପେଟ ଭିତରେ ଗଜ କପଡ଼ା ସହ କିଛି ଅଦରକାରୀ ପଦାର୍ଥ ଛାଡ଼ି ଅପରେସନ୍ କରିଦେଇଥିବା ପ୍ରମାଣ ମିଳିଲା। ଗତ 16 ତାରିଖରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସରେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳିଙ୍କ ପେଟରେ ପୁଣି ଥରେ ଅପରେସନ୍ କରାଯାଇ ଗଜ କପଡ଼ା ଓ ଅଦରକାରୀ ପଦାର୍ଥ କଢ଼ାଯାଇଥିବା ସ୍ୱାମୀ ଆନନ୍ଦ କୁମାର କହିଛନ୍ତି। ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ପତା ଚାଲା ହେ କି ୱହାଁ ପେ ପେଟ୍ ମେ ପୁରା ଇନ୍ଫେକ୍ସନ୍ ଲଗ୍ ଗିଆ ହେ ଅର୍ ୱହାଁ ପସ୍ ଭରା ହୁଆ ହେ।
एब्सेस है, पेल्विक एब्सेस है। फिर उसके बाद हम उसके बाद फिर मैडम को फ़ोन किए, मैडम आपने कैसा ऑपरेशन किया है कि उसमें इन्फेक्शन लग गया, पस हो गया। तो मैडम बोली कि देखिए ऑपरेशन, हम लोग बोले सब सारी की सारी आपकी गलती है। तो मैडम बोलती है कि इसमें पेशेंट का जान भी चला जाता है, ये कोई बड़ा बात नहीं है, आप आइए, हम आप मेडिसिन डॉक्टर को दिखा रहे हैं, हमारे पास आइए, हम इसको देखेंगे क्या है। ऑपरेशन परे भी पुष्पांजलि संपूर्ण सुस्थ होई नाहंते। डाक्तरों को कहिबा अनुसार पेट भितरे गज कपड़ा रहिबा द्वारा तांको गर्भाशय धमनी पति नष्ट होई जायछि। ए बाबतरे उस्ती हॉस्पिटल ठारु क्षतिपूरण लोडिछन्ति आनंद कुमार। ऑपरेशन बेले डाक्तरों को एभली अवहेला ओ खामुख्याल भाव कौनसी परिस्थिति रे ग्रहणीय नुहे बोली कहिछन्ति स्वास्थ्य विशेषज्ञ। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट आक्ट ठिकोणा ढंगरे कार्यकारी करा दउ नथिबारु रोगी को जीवन सह एमिति खेल खेला दउछु बोली स्वास्थ्य विशेषज्ञ मत रखिछन्ति। प्राइवेट हॉस्पिटल रे पेशेंट थारु अधिक पैसा लुटिया पई से माने चाहूचंती। द्वितीय होची डाक्तरों ऊपर जेतेबेले बहुत चाप पड़ुची से माने को टार्गेट दिया होची अधिक ऑपरेशन करो, तेणु डाक्तर माने जेतु अधिक प्रेशर रे रहउचंती, तेणु यही सब भूल गोटा घटना गोटा घटुची। एवं द्वितीय कारण होची जे याकू कंट्रोल करिया पई रेगुलेशन करिया पई जेतु आमर आईन पर्याप्त आईन नाही, तेणु डाक्तर माने मध्ये बेपरवा होकर यही भाया नेग्लीजेन्स करी चलते। उस्ती हस्पिटाल डॉक्टर स्मिता शतपथी खामख्याली अस्त्रोपचार एवं पुष्पा काल हो पुष्पा एम्स चिकित्साधीन जीवन सह संग्राम करते। उस्ती हस्पिटाल कर्तृपक्ष निजे डॉक्टर किसी कह मना करदे तेब एभली डॉक्टर समाजपाई के सांघातिक आते मारात्मक आपजे बुझीपे। भुवनेश्वर कैमरा पर्सन चितन साई के साथ सुमंत सुंदराय न्यूज 18 ओडिया। बढ़ुचे स्थानीय संक्रमण, बढ़ुचे आक्रांतक संख्या, कोरोना चेन रे ब्रेक लगाइबा पई साप्ताहिक शटडाउन को सहारा करिछि प्रशासन। जुलाई रो शेष साप्ताहिक शटडाउन रो जबरदस्त प्रभाव पड़िछि विभिन्न जिला रे। अनुगुल रे किंतु घटिछि व्यतिक्रम। नयागढ़ जिले रे कोरोना स्थिति भयंकर, आक्रांतक संख्या पहुंचलानी 450 रे, तेणु साप्ताहिक शटडाउन कड़ाकड़ी लागू करुछि प्रशासन। समस्त ब्लॉक रे पुलिस रो ब्लॉकिंग और चेकिंग को करा जाउछि जोरदार, अमान्यक ठारु आदाय करा जाउछि फाइन। साप्ताहिक शटडाउन रे बालेश्वर शहर रे पुलिस रो घन घन पैंतरा, समस्त दुकान बजार बंद। जिले रे पॉजिटिव संख्या 800 टपिबारु आउ कटकणा कोहळ करबाकु चाहु नाही प्रशासन। अनुगुल रे साप्ताहिक शटडाउन प्रभाव शून्य, हाट बजार रे प्रबल गहळी, ना मास्क ना सामाजिक दूरता, पुलिस रवि नहीं निघा। 250 रु अधिक कोरोना आक्रांत बाहरी थिले मध्य लोकंकर परवाय नहीं, एसपी कहिछन्ति। कोविड कटकणा कार्यकारी करिवकु गठन करा जायछि एनफोर्समेंट टीम। वर्तमान कोरोना वायरस केसेस बढ़ुछि किंतु पैनिक करिवा कथा नहीं, आमेकु औ अलर्ट हेबा कथा। मु समस्त मानुकु अनुरोध करूछि कि मास्क पिनंतु, सोशल डिस्टेंसिंग वायलेशन करंतु नहीं औ अजता बाहरे बुलंतु नहीं। कथा करला बेले मध्ये नाक और मुह को मास्क रु ढाकी की रखंतु। लोक माने भी कोऑपरेट करूछंती, अननेसेसरी जो पिल्ला माने बुलुछंती बाहर की कौन से मानन को चेकिंग होची, जो माने इमरजेंसी काम पे बाहर को बाहर चंदी मेडिकल काम की अलग इमरजेंसी काम पे से मानन को छड़ा हो जाउ। संबलपुर रे जारी रहिची 10 दिनिया शटडाउन, खोलिनी दुकान बाजार, चालिनी गाड़ी। रविवार थरु सकाळ 6 रु दिन गोटाए पर्यंत खोलिबा परिबा ओ ग्रोसरी दुकान। नवरंगपुर जिले में कोरोना आक्रांतों संख्या पहुंचला पखापाखि 200 रे। किसी दिन भितर नवरंगपुर पूरांचल 13 पॉजिटिव बाहर पर 4, 6 और 8 नंबर वार्ड को घोषणा कर कंटेनमेंट जोन। पुलिस सह प्रशासन भी होई आक्टिव। कलाहांडी जिला भवानीपाटना सहर में 10 कोरोना योद्धा पॉजिटिव चिन्ह पर रविवार जाए सहर शटडाउन आरंभ हो आक्रांतों कंटाक्ट ट्रेसिंग। प्रमुख छकगुड़िक कड़ाकड़ी चेकिंग, अत्यावश्यक सामग्री को बाद दे अन्य दुकान बंद। पुरुणापड़ा और शक्तिनगर पड़ा घोषित होई कंटेनमेंट जोन। सेपटे आशा अंगनवाड़ी और स्वास्थ्यकर्मी घर घर बुली आरंभ कर हेल्थ चेकअप। प्रशासन जो प्रकार शटडाउन व्यवस्था करके आम सर्वसाधारण से व्यवस्था टाक समर्थन करके मानुं प्रकार विभिन्न प्रकार लोक विभिन्न प्रकार मास्क फास्क व्यवहार कर महामारी जमी न व्यापे से सब प्रकार पदक्षेप नि दुकान बजार सब बंद कराई केवल आमर मेडिसिन स्टोर छाड़देले अन्य कौन सी दुकान खोला नहीं आ गाड़ी मटर संपूर्ण जांच करा। डोर टू डोर सर्वेलेंस चली
75 टीम्स फॉर्म होइछि से माने डोर टू डोर बुली की सिम्टोमैटिक केसेस आइडेंटिफाई करिबे ये सिम्टोमैटिक केसेस को हमें स्वाब टेस्टिंग करिबु कोविड पई। केन्दुझर जिले रे साप्ताहिक शटडाउन जारी रास्ताघाट खां खां सबु छकरे पुलिस रो कड़ा जांच जिले रे कोरोना संक्रमितक संख्या 483 रे पहुंचतिबा बेले एथरो सुस्थ होइ गेलनी 399 तबे स्थानीय संक्रमण को नी प्रशासन रे बढ़ी चिंता। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। कोरोना संक्रमण रोकिबा को लगा जाउछि लॉकडाउन शटडाउन जहार सीधा सड़क प्रभाव पड़ुछि एमएसएमई क्षेत्र उपरे बंद हेबा को बसिलानी प्राय 40% शिल्प प्रतिष्ठान अर्थात राज्य रे प्राय 4.5 लाख शिल्प प्रतिष्ठान एबे एक प्रकार ताला बंद अवस्था रे स्थिति आग को अधिक गंभीर हेबा नै आशंका करिछि उत्कल चैंबर ऑफ कॉमर्स। राज्य रे बंद हेबा स्थिति रे 40% कंपनी कोरोना संक्रमण रोकिबा को लगा दउछि लॉकडाउन और शटडाउन हेले एहा द्वारा विपर्यस्त हेबार लागिछि एमएसएमई क्षेत्र आगो को कोन हेबो ताकु नै आशा आशंका रे लक्ष लक्ष शिल्पोद्योगी मंचेश्वर अंचलर शिल्पोद्योगी बंशीधर बारिकंक शिल्प प्रतिष्ठान प्राय 5 मास हला बंद गत मासरे व्यवसाय अंटा सड़खिला बेळकु पुणी लागिला लॉकडाउन कोरोना माड़ छड़ाई नेला व्यवसाय अल्प लोकरे जहाँ उत्पादन हेउछि ताकु किणिबाकु ग्राहक नहांथे प्रोडक्शन धराजाऊ हाँ आम आम कि स्टाफ रखीचु ये फैक्ट्री रखीचु से बाहर जाऊना देखिए आम स्टाफ मेटेरियल तैयारी करूँ मेटेरियल तैयारी कले रिलेटेड मेटेरियल तो मिलूनी कहीं चार बंद अच्छे सेल तो ना कस्टमर तो आसूना लोक तो कहीं आसूना तेनाली क्या तैयारी कर बिकबू क्या सी भी सब बड़ टेनसन अच्छे आमपा उत्कल चैंबर अफ कमर्स यूसीसीआई कहवा कथा बर्तमान यह ही शिल्प उद्योग बास्तव चित्र राज्य में बंद होगा बसला प्राय 40% शिल्प प्रतिष्ठान पंजीकृत 15 लक्ष अधिक एमएसएमई शिल्प प्रतिष्ठान भितर प्राय 4.5 लक्ष प्रतिष्ठान एवं तालाबंद अवस्था आगक स्थिति आहरी बिगड़ पाए देखो ओडिशा में पाखापाखि 15 लक्ष जो एमएसएमई सेक्टर अनुष्ठान रही ये जो परिस्थिति निश्चित भावे गोटे बहुत बड़ चैलेंज आणुच्छे अनेक गुड़े एमएसएमई हुए तो बंद हो जा स्थित को आसीपारती किंतु जमती प्रति कठिन समय में किसी उपाय थाए सरकार से उपाय काढ़ुच्च देख यूसीसीआई सूचना अनुसार एमएसएमई क्षेत्र में राज्य में पंजीकृत मोट शिल्पोद्योगी प्राय 15 लक्ष अधिक कोरोना संक्रमण पूर्व संख्या क्रमगत भाव बढ़ी चलता एमाने प्राय 45 लक्ष कर्मनिजुक्ति सुजोग सृष्टि करिथांति लॉकडाउन रो प्रभाव रे एही शिल्पानुष्ठान एबे संकट रे प्राय 5 लक्षरु अधिक लोक रोजगार हराइबा आशंका एभळि स्थितिर मुकाबिला पई सरकारी प्रोत्साहन उपरे गुरुत्व देइछंति विशेषज्ञ कारण स्थितिरे सुधार आसिबाकु अधिक समय लागि पारे आ सरकार जथेष्ट परिमाणरे तांकु लोन डेफर करिकि कले तांकर रीपेमेंट टाइम टा डेफर कर गले सबु आउ किंतु सेमान को निजर बिजनेस रो मॉडल टा को कौन प्रोड्यूस करिवे किमिति डेलीवर करिवे किमिति प्राइसिंग करिवे आउ तार सर्विस किमिति देबे से मॉडल टा को तांकु चेंज करिया पड़ियो। जुलाई मास रे बहुत बेसे गला हमरो अवस्था खराब हला अगस्त मास रे कोनो कहियोनी केतन रहइबो कोविड आ जदे रहइबो हम इकोनॉमी पूरा पर्टिकुलर एमएसएमई जोटा कि आप जानते 40% एक्सपोर्ट 45% एम्प्लॉयमेंट ये सब दिए सारा भारत देखा एम एस एम से मैंने बहुत दुरावस्था रही कोरोना जो जीवन सह जीविका भी संकट में प्राय 15 लक्षरु अधिक क्षुद्र शिल्पोद्योगी एवं आशा आशंक दिन काटुंट भुवनेश्वर कैमेरामैन प्रशांत पात्र मनोज जेना न्यूज 18 ओडिया। आसंता 31 तारीख सुधा प्रकाश पाइब चलित बर्षर मैट्रिक परीक्षा फल फल प्रकाश पर समस्त आनुषंगिक व्यवस्था शेष करिछि माध्यमिक शिक्षा परिषद सेपटे कोरोना काल में विभिन्न प्रतिबंधक मध्यरे खाता मूल्यायन होगा और फल प्रकाश पर पिलांकर नाम लेखा और पाठपढ़ा को नहीं चिंतार अभिभावक और शिक्षक चलित बर्ष मैट्रिक परीक्षा देथिबा कटक बासिंदा बैजयंती पटनायक अन्य छात्र छात्री मानक भड़ी कठिन परिश्रम करथिले तुलसीपुर शिशु मंदिर छात्री आशा अच्छी परीक्षा में 90% नंबर रखी पास करेंगे और रेभेन्सा महाविद्यालय नाम लिखाइबे किंतु ठीक समय रे बाहरी पारिना फल
निर्धारित समय प्राय 4 मास पर एवं फल प्रकाश पाइबा जाउथिले मध्य एहाकु नै चिंतित अछन्ति से। सेपटे खाता मूल्यायन विलंबित फल प्रकाशन को नै चिंतार अछन्ति तांको बापा। परीक्षा रिजल्ट बाहर से तो डेट क्यों तारीख में बाहर ता ठीक रे कही हो ना तथापि आमको प्रिपेरेसन करने को पड़े एत लेट है आम बेस चापग्रस्त होते कौन रेजल्ट बाहर कौन ना जदि भल नंबर रुहे 90% ऊपर को नंबर रुहे तो रेभेन्सार एडमिशन करने को मात्र एभली खाता देखा विभ्रांत देखि मोर से आशाटा रोनी जे 90% ऊपर को रोत आशा और आकांक्षा अच्छी जे मोर झियो 90% ऊपर रखे बोली मोर आशा और विश्वास किंतु ये जो कोरोना रो भय रे जो खाता देखा प्रक्रिया हेची एवं जो प्रकार परिस्थिति देगी वर्तमान जीव जीवन उपरे लोकंकर विपद रिजल्ट बाहरला परे झियोर परसेंटेज देखिकी जदि भल परसेंट 90% रखिला ताले मु प्रथम रेभेन्सार पकेया पई योजना करछि। लॉकडाउन जोगु आसी पारिनि परीक्षा फल तेबे विलंबरे हेले मध्य परीक्षा फल प्रकाश पाउथुबारु समस्ते आश्वस्त होइछंती। कॉलेज रे नाम लेखा और कॉलेज पिलामानंक पाठपढ़ा किपरि हेबो सेने द्वंद्व सृष्टि होइछि। स्कूल गुड़िक ऑनलाइन पाठपढ़ा चलीथिले मध्य ताहा फलप्रद हेउ नथिबारु चलित शिक्षा वर्ष सह पूरा माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था गुरुतर प्रभावित होइथिबा कहिछंती शिक्षाविद। शिक्षा वर्ष ऑलरेडी 4 मास चलीगलाणी आ भितरे पिला कोनोसी प्रकार पाठ सहित संपुक्त रहिला नै। सिलेबस कमीगले पिला जो पाठ जैसे पढ़ा कथा प्लस टू फर्स्ट ईयर जैसे पाठ पढ़ा कथा से पाठ न पढ़ले सेकेंड ईयर से किपल आपिअर कर सेकेंड ईयर को बोझ हो सबू जदि से हार कमिजी तथा भी पिला जो कि अजणा रही शिक्षक छात्र छात्री अभिभावक समस्ते मानसिक चापे रोचे केमी रेजल्ट हे जे मनकर 90% आशा करता सी बर्तमान से आशा हर दूसरी ठीक है मूल्यायन नई तो मुझे 90% पाइबिनि। सरकार ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था कले सहरांचल पई किछि कांसरे तार प्रभाव पड़ुछि बा पिला माने उपकृत हो पाउछन्ति किंतु ग्रामांचल रे नेटवर्क ठीक रहुन। परीक्षा फल पुस्तिका प्रकाश पाइबा बंद हो जाइथिबारु बोर्ड रो दुईटी जाको वेबसाइट रो फल प्रकाश करा जीव बोली माध्यमिक शिक्षा परिषद पक्षरु कुहा जाइछि। कटक रु कैमरा पर्सन देवेंद्र मिश्रंक सह नवेश महांती न्यूज 18 ओडिया। समस्त रिछ हमर ओडिसा को इट रखुछु नमस्कार।